RPTV न्यूज की खबर पाने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं, साथ ही बेल आइकन। वन्य प्राणी तेंदुआ ने बकरी को बनाया शिकार। पार्टी वन क्षेत्र पार्टी के पटेल फलिया में पांड्या सोलंकी के घर पर शनिवार की देर रात अज्ञात वन्य प्राणी ने बकरी को शिकार बनाया। बकरी घर के पास बने पशुघर में ही बंधी हुई थी। साइनाबाई सोलंकी ने बताया कि सुबह 4 बजे हम लोग उठे तो पशुघर में बंधी बकरी वहां पर दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बाद आसपास ढूंढने लगे, वहीं पशुघर का दरवाजा भी खुला हुआ दिखाई दिया। तब उसके दरवाजे से बाहर खेत में बकरी के कुछ कटे हुए अंग दिखाई दिए। इसके बाद उन्हें वन्य प्राणी द्वारा शिकार करने का प्रतीत हुआ। पांड्या सोलंकी ने सुबह से वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर वन विभाग डिप्टी रेंजर शंकरलाल धनारे व वनपाल मौके पर पहुंचे। वहीं पशु चिकित्सा विभाग से पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जमरा व डॉक्टर कमलेश मंडलई भी पहुंचे। डॉक्टरों ने बकरी का पोस्टमार्टम किया। इसके बाद रिपोर्ट वन विभाग को दी। वन विभाग ने पंचनामा भर कर ले गए। वहीं डिप्टी रेंजर धनारे ने बताया कि बकरी पर पंजे व नाखून के निशान मिले। वन विभाग शनिवार की सुबह टीम के साथ पहुंचकर जांच पड़ताल की है। उन्होंने तेंदुए के आने की आशंका जताई थी। इसके पग देखकर वन्य प्राणी तेंदुए का होना प्रतीत हुआ। यह वन्य प्राणी तेंदुआ ही है जो बकरी के शरीर पर उसके नाखून व दांत लगे हैं। इसकी रिपोर्ट आगे भेजी जाएगी। वहीं आगे से रिपोर्ट अनुसार नुकसान को देखकर संबंधित को मुआवजा राशि भी दी जाएगी। वहीं ऐसी घटना पर लोग वन विभाग को सूचना दे ताकि वन विभाग से क्षतिपूर्ति का मुआवजा मिल सके। पहले भी हो चुका हमला। गाँव में जंगली जानवरों की चहल कदमी से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। ग्रामीण को आशंका है कि तेंदुआ गांव में आकर बकरियों के शिकार बना रहा है। ग्रामीण ने बताया कि इससे पहले गांव बुद्धी व असवाड़ा में भी बकरियों को शिकार बनाया था। ग्रामीण ने आरोप लगाया कि वन विभाग की टीम की लापरवाही से अब तक जंगली जानवर के आतंक से छुटकार नहीं मिल सका। गाँव में शाम को अंधेरा होते ही घर से निकलना में भी डर लगने लगा। आज एक बकरे को एक वन्य प्राणी ने क्षति पहुंचाई, तो कैसी हुई घटना और कैसे पता चला? क्या है, तो हम 4 बजे उठे थे माता जी के यहाँ जाने के लिए, तो सुबह बकरी चिल्ला रही थी, तो जाके देखा तो एक एक बकरी, फिर वहाँ पे जाके देखा उधर पीछे, तो भैया ने उधर बाजार में गए कि कोई चोरी वोरी करके ले गए होंगे करके, फिर मैंने देखा टार्ची लेके, तो ये मूँगफली में खेत में यहाँ पड़ी थी, तो ये देखा मैंने 4:30 बजे ये बाजार में चले गए थे। इसके बाद क्या कर? उसके बाद कहीं नहीं, हमने फोन लगाए ये सर को, उसको लगाए थे, वापस आए, फिर डॉक्टर साहब को फोन लगाए उसने, तो क्या बात हुई है तो नहीं मैंने बताई उसको। फॉरेस्ट विभाग आए पंचनामा बनाने? हाँ वो सुबह आए, अभी फॉरेस्ट विभाग पंचनामा बना के लेंगे। उन्होंने पहले बता दिया। सर आज एक बकरी को जंगली जानवर ने क्षति पहुंचाई, क्या है पूरी घटना? पार्टी के पांडू सोलंकी, पिताजी का नाम लाल सिंह सोलंकी, इनके घर वन्य प्राणी के द्वारा बकरी जो बाड़े में बंधी थी उसको मार डाला है। उसकी सूचना इनके द्वारा सुबह 8 बजे दी गई, तो इसका मौका निरीक्षण परिषद सहायक में शंकरलाल धनारे द्वारा किया गया। उसमें बकरी के गले में दांत के गहरे निशान पाए गए, इससे तथा ये पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा भी मौका निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा मौका निरीक्षण कर पोस्टमार्टम किया गया, उसमें वन्य प्राणी द्वारा बकरी को मारा जाना प्रतीत होता है, जिसके पग मार्क देखे गए। अतः इसकी संबंधित आदमी को क्षतिपूर्ति जो राशि है शासन निर्देशानुसार वो दी जाएगी। सर आगामी सुरक्षा के लिए क्या और उपाय लोगे? आगामी सुरक्षा के लिए तो वन्य प्राणी है, इनकी इनको अगर कोई ऐसी क्षति पहुंचाई जाती है तो ये वन विभाग को इसकी सूचना दें, तो अगर हो सके तो उनको हम बाहर कहीं पिंजरा लगा के बाहर भेज सकते हैं। दूसरी बात यह
अगर ऐसी घटना पाई जाती है तो उसकी सूचना वन विभाग को दें, तो जनहानि या पशु हानि होती है उसका उसको मुआवजा दिया जाए।